कि चार मेहमान के बारात होने का भी मामला बढ़ा दिया। एक साथ मैंने कहा चारों के बारात हो सकते, तो एक मिसाल देने लगे, एक दरख्त है। मैंने कहा ठीक है दरख्त है, क्या एक कैसे आप अच्छी मिसाल देता हूं, अच्छी मिसाल दीजिए। बोले पेड़ है, ठीक है पेड़ है। बोले देखो तना यहां तक है या ये सुनाम है, बिल्कुल सही। बोले चार डालियां निकली यहां से तने से, तना गया ना यार, अब यहां से चार डालियां निकली, एक दो तीन चार, ठीक है। तो ये चारों डालियां, बोले ये तो चार है मामा, आप बोलो कि ये तना, ये तो दरख्ती का तना है ना, और ये जो चारों डालियां है दरख्ती की है ना, कि दरख्त से अलग है। मैंने कहा नहीं, ये तना भी है और ये चारों डालियां भी उसी दरख्त की है, तने से जुड़ी हुई है, एक ही है। तो कहा कि मानो ना कि चारों एक है, एक चार है। मैंने कहा कि वो लैपटॉप वाला थोड़ी हूं कि मुझे फंसा ले जाओ, दुनिया में पहला दरख्त देखा है ऐसा जिसमें चार डालियां तो हैं लेकिन एक डाली में सेब लटका हुआ है, एक में अनार लटका हुआ है, एक में अंगूर लटका हुआ है और एक में अमरूद लटका हुआ है। दुनिया में ऐसा कोई दरख्त दिखाओ, एक इमाम बोलता है ये चीज हलाल है, एक इमाम बोलता है ये चीज हराम है, एक कहता है ये मुबाह है, एक कहता है ये फला है। ये कौन सा ऐसा दरख्त है जिसकी चार डालियों के अंदर चार किस्म के फल लगते हैं, दुनिया में दिखाओ ना। मैं लैपटॉप वाला नहीं हूं कि मुझे इस तरीके से चकमा देकर निकल जाओ। उसके बाद कहने लगे दूसरी मिसाल भी मेरे पास है। मैंने कहा दूसरी मिसाल तो उसकी भी खबर लेता हूं। बोले एक दरिया है, मैंने कहा दरिया है। बोले दरिया से चार रास्ते निकले, मैंने कहा निकले। बोले ये चारों रास्ते चुचा ही मैं, ये पांचवा फिरका है किस तरह से आ गया। मैंने कहा मुझे चकमा ना दो, ये पांचवा फिरका वही दरिया है जहां से ये चार निकले। लेकिन ये चारों निकले तो पहले सही थे, आगे चल करके जरा पत्ते गिर गए उसमें, जरा जरासीम फैल गए, अब ये पानी ये चारों का इतना गंदा हो गया है कि पिया नहीं जा सकता। अब आदमी को अगर हिंसा सेहत का ख्याल रखना है तो फिर दरिया की तरफ रुझू करना, बीमार होकर मर जाएगा। भाग गया लैपटॉप लेकर के, भाग लैपटॉप छोड़ कर भाग गया जी। एक ही रास्ता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको वाजे करके बता दिया, लिहाजा नस के मुकाबले में कयास दुरुस्त नहीं है। नस क्या है? हदीस। वान जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला ने कहा, कुन्ना इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम فخط خطا وخط خطا الى يمينه وخط خطا الى يساره ثم وضعه في الخط لو ستقر هذا سبيل الله ثم قال هذه وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل رواه ابن ماجه في كتاب المقدمه في باب اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت امام ابن ماجه في كتاب المقدمه میں اور باب جہاں قائم کیا انہوں نے اتباع سنت رسول کا وہاں پر یہ حدیث لائے راوی حضرت جابر بن عبداللہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے अचानक आपने एक लकीर खींची सीधी, एक ड्रिव स्ट्रेट लाइन, आपने एक सीधी लकीर खींची और दाहिने दो लकीरें बाएं दो लकीरें, कितनी टू एंड टू मैच फोर, चार हो गए, टू एंड टू मैच फोर, टू एंड टू मैच फोर, दो और दो चार, सीधा आपने की एक दो इधर दो चार, फिर आपने चार लकीरें खींचने के बाद फरमाया हाँ सभी लूंगा ये अल्लाह का रास्ता, ये सीधा रास्ता है जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता, सिर्फ हराम तगड़ा है, इसमें ना कोई रास्ता मिलता है आखिर, और न इससे कोई रास्ता निकलता है, न इससे कोई रास्ता निकलता है कोई, और न इससे कोई सैनी सड़क आकर मिलती है। ये रास्ता बारगाह रिसालत से लेकर जन्नत के दरवाजे तक हराम तगड़ा है, और इसी तरह से आदमी हमें सिराते मुस्तकीम के हिदायत कर, और जब अलीफ़ काबिल हो जाए तो ये मुअर्रफ हो ही जाता है हमारे पास, यानी कोई मखसूस रास्ता है, वो हर कोई रास्ता नहीं हो सकता, एक ही रास्ता है और वो रास्ता है इस माने का ही रास्ता सिराते मुस्तकीम, और ये तो शैखान को भी मालूम है कि रास्ता एक ही है,
कहने लगा तूने मुझे गुमराह कर दिया है तो ला कुदन लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं तेरे सिरात मुस्तकीम के ऊपर बैठूंगा। उसको मालूम क्या रास्ता है, इसलिए कि अगर इजाफत हो जाए तो इजाफत की तख्सीस की दलील होती है। सिरात का तेरा रास्ता कौन सा रास्ता, अगर कोई आम रास्ता होता तो नगरा इस्तेमाल कर दिया जाता। सिरात की इजाफत का की तरफ जो बता रही है कि जो मखसूस रास्ता है उसको भी मालूम है रास्ता है, इसलिए उसी रात के ऊपर मैं बैठ जाऊंगा और गुमराह करूंगा लोगों को। शैतान को भी मालूम रास्ता है कि बता रहे चलते पचपच रास्ते हैं, सबसे रास्ते नहीं बोलते रास्ते।